तो गाइस आज हम इमोजी से फूड्स के नाम गेस करेंगे, तो देखते हैं किसको कितना ग्रेड मिलता है। किसी ने अगर 1 से 4 तक सॉल्व किया तो उसको सी ग्रेड, 5 से 8 तक किया तो बी ग्रेड, और अगर 9 से 14 तक कर लिया तो ए ग्रेड मिलेगा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस अब ये पहली इमोजी देखो और फटाफट से मुझे फूड का नाम नीचे कमेंट में बता दो। जल्दी से कमेंट करो और कम से कम पहले वाले को तो बताओ। ये तो बहुत ही इजी लगा ना, तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये है स्ट्रॉबेरी, ये मिल्क, और ये हाथ मिलाना है यानी शेक, तो बन गया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। लगता है सबको पहला पॉइंट मिल गया है, लेकिन ये सेकंड पॉइंट वाला दाव लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी तुम लोग मुझे कमेंट में बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग को आता है। क्या सेकंड पॉइंट का दाव लगाया तुम लोगों ने? यह है बारबी, और ये सब लाइन में खड़े हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यू, तो बन गया बारबी क्यू। ये टफ था ना, लगता है कुछ लोग सेकंड वाले में हार गए हैं। लेकिन अगर तुम जीत गए हो तो फटाफट से लाइक करो, अगर नहीं भी जीते तो भी कर दो यार। फर्स्ट वाला तो किया था ना यार, भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मैं क्या बोलूं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे करो। अभी और आ रहे हैं, देखते हैं कौन कितना सॉल्व करता है। तो चलो फटाफट से थर्ड वाला देखो और बताओ ये कौन सा फूड है। फूड भी हो सकता है और थोड़ा पीने वाला आइटम भी हो सकता है, फूड मतलब सिर्फ खाने वाला नहीं होता है ना। यस, तो जल्दी से नीचे कमेंट करो। ओ, मेरे हिंट के बाद लगता है बहुत लोगों ने गेस कर लिया है। ये है शू और ये पी, तो मिलाओ देने पे बन गया सूप। तुम्हें टमाटर का सूप पसंद है, प्याज का पसंद है, या फिर पालक का पसंद है? पालक का सूप किसको पसंद है? अगर तुम्हें है तो भाई बताना, हाँ मुझे जानना है कौन है वो। ओके ओके, अभी चलो हम लोग नेक्स्ट वाला फूड गेस करते हैं। यस, ये वाला बताओ। ये तो भाई तुम लोग फटाफट बता दोगे, मुझे अच्छे से पता है। ये तो भाई चाट चाट के खाते हो तुम लोग, तो जल्दी से कमेंट करो। भाई ये फिंगर और ये चिप्स, तो मिला देने पे बन गया फिंगर चिप्स, जिसे फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने आंसर किया है। यस, तो चलो अभी नेक्स्ट में देखते हैं। अभी ये वाले फूड का नाम बताओ मुझे। ये भी थोड़ी टफ है, मुझे नहीं लगता काफी को आता होगा, इसलिए अगर तुम्हें आता तो जल्दी से लिख दो कमेंट में। ये F, ये रन और ये चाबी है यानी की, तो मिला देने पे बन गया फ्रैंकी। खाया कभी फ्रैंकी? मैंने तो नहीं खाया, मैं सच बताता हूँ, मैंने सब सुना है फ्रैंकी के बारे में। भाई इतना अमीरों वाला डिश कभी नहीं खाया हम लोगों ने। ओके चलो अभी ये नेक्स्ट वाली इमोजी से मुझे फूड का नाम तुम लोग नीचे कमेंट में बता दो। ये भी इजी ही है। यस, तो तुम लोग जल्दी से कमेंट करो। ये एकदम तप रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये है हॉट और ये है डॉग, तो मिला देने में बन गया हॉट डॉग। भाई हॉट डॉग, ये तो खाया है भाई मैंने, हाँ इतना तो खाया है, तुम लोगों ने भी शायद खाया होगा, खाया तो बताना। अभी लगता है तुम लोग काफी लोग जीत रहे हो, तो जल्दी से अभी ये वाला बताओ। ये बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों ने बता दिया भाई। ओ, क्या बता दिया था तुम लोगों ने। ये है स्पा, ये गेट और ये टी, तो मिला देने पे बन गया स्पेगेटी। ये एक नूडल टाइप की चीज होती है, मैंने खाई नहीं है कभी, लेकिन अगर तुम लोगों ने अगर इसका गेस कर दिया ना तो भाई तुम लोगों के लिए तालियां बजती है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोबारा याद दिला रहा हूँ। चलो अभी फटाफट से नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी ये वाला कमेंट में बता दो। आई होप काफियों के लिए ये इजी होगी। यस, तो फिर जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। Thank you.
ये है एप्पल और ये पाई, मैथ्स वाला पाई का वैल्यू तो मिला देने पे बन गया एप्पल पाई। क्या कभी खाया है? ये अंग्रेजों की है ज्यादातर, मैंने देखा यूएस में ज्यादा मतलब लोग खाते हैं, यहाँ इंडिया में तो कम ही खाते हैं, लेकिन जानते समय मूवीज में बहुत देखा है। यस, तो चलो अभी ये वाला बता दो, ये भी आई गेस फॉरेन की ही डिश है, इंडिया में नहीं बनता, कम बनता है, बनता तो है, तो तुम लोग मुझे बता दो। ये है तवा यानी पैन और ये केक, तो मिला देने बन गया पैन केक। खाया कभी पैन केक? हाँ भाई खाया ही होगा। चलो अभी ये वाला बता दो, ये तो भाई सबकी फेवरेट चीज होती है और तुम लोग की भी है, तो मुझे कमेंट में बता दो। भाई ये है टूथपेस्ट, तो उसमें से हम लोग ले लेंगे पेस्ट, और ये है ट्री पेड़, तो बन गया पेस्ट्री। भाई पेस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है खाके। यस, तो चलो अभी मुझे ये नेक्स्ट वाले का बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बाकी लोग जीत रहे होंगे, तुम लोगों को फटाफट से बताना है। ये भी बता दिया गया, ये है कॉटन और ये कैंडी, तो मिला देने पे बन गया कॉटन कैंडी। भाई कॉटन कैंडी तो कितना खाया, जब मेला लगता था तो मेले में खाते थे यार, अभी तो मेला देखा ही नहीं है कोरोना के चक्कर में। हो चलो फिर अभी ये वाला बता दो, ये भी भाई मैं हिंट नहीं दूंगा, हिंट देते ही तो फटाफट फटाफट कमेंट कर दोगे, तो जल्दी से मुझे बता दो। ये भाई कुछ फट रहा है, तो ये हो गया पॉप, और ये है कॉर्न, ऑब्वियसली मकई, तो मिला देने पे क्या बन गया? पॉपकॉर्न। क्यों, सही है ना, तुम लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो चलो अभी ये नेक्स्ट वाले फूड का नाम भी तुम लोग मुझे फटाफट से कमेंट में बता दो, ये तो काफी इजी है और डेली सब लोग घर पे खाते ही है, इसलिए जल्दी से कमेंट करो। ये है मिट्टी यानी सैंड और एक चुड़ैल है जो माइनक्राफ्ट में भी तुम लोगों ने देखा होगा, यानी कि वेज, तो बन गया सैंडविच। वैसे तुम लोग जानते हो कि नहीं, मैं माइनक्राफ्ट के भी वीडियोस डालता हूँ अपने दूसरे चैनल पे, चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके चलो अभी ये लास्ट वाली इमोजी का बता दो तुम लोग, फिर देखते हैं किसको कितना मार्क्स मिला, ये भी इजी है, तो फटाफट से कमेंट करो। क्या बता दिया था यार, ये भी तुम लोग बड़े होशियार हो गए हो। ये है स्प्रिंग और ये एक रोल है, पेपर का रोल, तो मिला देने पे बन गया स्प्रिंग रोल। खाया है क्या तुम लोगों ने स्प्रिंग रोल? मेरे को तो बहुत पसंद है। चलो फिर अभी बताओ तुम लोगों का ग्रेड क्या आया है, ए बी या सी? आई होप सबके बढ़िया आया होगा, तो फटाफट से लाइक कर देना, और अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी देख लो, ये बहुत अमेजिंग वीडियो है, और बताना उसमें भी तुम लोग को कितना ग्रेड मिला, मुझे पता है तुम लोग भाई शार चंद हो, तो फटाफट से जाके देखो।